मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 15, संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति ही। हमारा लेसन 14 हो चुका है अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। हमने प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ये सब लेसन सीखे। अब हम आगे देखेंगे संबंध कारकम, उसका चिन्ह क्या है, काकी के, रारी रे, और इंग्लिश में उसका प्रीपोजिशन है ऑफ। ओके, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, तृतीया, देखो कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, आफ्टर दैट संबंध काकी के षष्ठी विभक्ति। ओके, संबंध कारकम मतलब षष्ठी विभक्ति। ओके, नाउ इसमें हम सीखेंगे जो संबंध कारक रहता है वो ऑलवेज षष्ठी विभक्ति में रहता है, वो याद रखना है आपने। ओके, ये हमें क्या दिखाता है, पोजीशन, रिलेशन दिखाता है। संबंध कारक हमें पोजीशन और रिलेशन दिखाता है। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर लेसन, इयम विद्यालयस्य वाटिका अस्ति। इयम, इयम का मीनिंग दिस, इयम स्त्रीलिंग वर्ड के लिए इयम यूज़ करते हैं और पुल्लिंग के लिए अयम यूज़ करते हैं। ये वाटिका, वाटिका वर्ड स्त्रीलिंग है, वाटिका मतलब गार्डन। ओके, इसलिए वहाँ पे इयम वाटिका, दिस गार्डन, ऐसे बोलने के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, इयम, इयम वाटिका स्त्रीलिंग वर्ड है इयम। इयम विद्यालयस्य वाटिका अस्ति, विद्यालय, विद्यालय का मीनिंग क्या है, स्कूल, वाटिका गार्डन, ये विद्यालय का गार्डन है। बहुत सारे विद्यालय में गार्डन देते हैं ना, हमारे विद्यालय में भी है पीछे गार्डन। इयम विद्यालयस्य वाटिका अस्ति, दिस इज द गार्डन ऑफ स्कूल। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हुआ, ऑफ, विद्यालयस्य स्कूल का की के। ओके, फिर यहाँ पे हमारा संबंध कारक में कौन सा वर्ड है, विद्यालयस्य, दिस वर्ड इज इन संबंध कारकम। वाटिकायाः समीपे एकः देवालयः अस्ति, देखो वाटिकायाः, वाटिका स्त्रीलिंगम वर्ड, समीपे, समीपे मतलब नियर, एकः वन, देवालयः टेम्पल अस्ति है, गार्डन के बाजू में ही एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल नियर द गार्डन। ओके, तो देखो समीपे वर्ड आया तो कौन सी विभक्ति यूज होती है, षष्ठी, इसलिए वहाँ पे वाटिका के पास में, के काकी के, वाटिका के पास में क्या है, देवालय है। वाटिका वर्ड का षष्ठी एक वचनम है वाटिकायाः। ओके, नेक्स्ट वन इज देवालयस्य पुरतः एकः सरोवरः अस्ति, पुरतः इन फ्रंट ऑफ। ओके, देवालय के आगे ही क्या है, एकः सरोवरः, सरोवरः का मीनिंग है लेक। ओके, छोटा सा लेक रहता है उसे बोलते हैं सरोवरः। देवालय के आगे ही, मंदिर के आगे एक क्या है, लेक है, देवालय वर्ड पुल्लिंगम, उसकी षष्ठी देवालयस्य, पुरतः वो भी वर्ड आता है तो षष्ठी होती है। देवालय के आगे, तो काकी के, यहाँ पे देवालयस्य इज अवर संपदान कारक, संबंध कारकम। ओके, नेक्स्ट वन इज सॉरी सरोवरस्य मध्य रक्तानी कमलानी संति। देखो रक्तानी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रक्तानी, रक्त मतलब क्या, विच कलर, रेड। ओके, तो रक्तानी कमलानी, रक्तानी इज द विशेषण ऑफ कमलानी, कमलानी जो वर्ड है उसका एडजेक्टिव है रक्तानी, लाल कमल। ओके, सरोवरस्य मध्य, सरोवर के अंदर, बीच में, मध्य मतलब बीच में है, इन द मिडल ऑफ द सरोवर, सरोवर मतलब लेक, क्या है वहाँ पे, रक्तानी कमलानी, देर आर रेड लोटस इन फ्रंट ऑफ द लेक, इन फ्रंट ऑफ नहीं, इन द लेक। ओके, लेक में क्या है, सरोवर से मध्य, बीच में, लेक के बीच में, ऐसे मध्य का मीनिंग है इन द मिडल, बीच में, रक्तानी कमलानी, लाल कलर के कमल के फूल है, इसलिए सरोवर से जवर षष्ठी विभक्ति। कमलानाम ऊपरी भ्रमराहा गुंजंती, भ्रमराहा, भ्रमर मतलब बम्बल बी, लाओ बिग बी रहता है ना बड़ा वाला काला, उसे बोलते हैं भ्रमरह, भौरा बोलते हैं हिंदी में। ओके, गुंजंती आवाज़ करते हैं,
कौन बम्बल भी आवाज करते, कहाँ पे ऊपरी मतलब अबाउ, ऑन द फ्लावर्स कमला नाम ऊपरी फूलों पे, ओके okay? यहाँ पे ऊपरी वर्ड आया तो भी षष्ठी विभक्ति का यूज होता है, ओके okay? तो यहाँ पे कमला नाम, दिस इज द बहुवचनम ऑफ कमलम, कमलम का षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम है ये, कमलस्य कमलयोः कमलानाम। फूलों के ऊपर भ्रमर है, क्या है, फूलों के ऊपर भ्रमर आवास करते हैं, काकी के, यहाँ पे फूलों के इस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड है, कमलानाम, दिस इज अवर षष्ठी बहुवचनम, बहुत सारे फ्लावर्स है इसलिए वहाँ पे बहुवचन आया है। भ्रमराणाम गुंजनम मधुरम भवति, भौरों का गुंजन, भौरों का जो आवाज़ है वो कैसा है, बहुत ही मधुर है, स्वीट है, तो भंवरों का भ्रमराणाम, भ्रमर वर्ड की षष्ठी बहुवचनम, ओके दिस इज भ्रमराणाम, जैसे रामाणाम वैसे भ्रमराणाम, भ्रमरों का आवाज़ जो साउंड है उनका गुंजन है वो बहुत ही मधुर है। दिस इज अवर फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे विद्यालयस्य वाटिकायाः देवालयस्य सरोवरस्य कमलानाम भ्रमरा और भ्रमराणाम, दीज आर अवर संबंध कारकम वाले वर्ड्स है, ओके नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हम। गंगा भारतस्य एका पवित्रा नदी अस्ति, गंगा भारतस्य भारत की, देखो षष्ठी विभक्ति का की के, भारत की एक पवित्र नदी है। हॉली रिवर, पवित्र मतलब हॉली, पवित्रा नदी, नदी स्त्रीलिंगम वर्ड, सो उसका विशेषण स्त्रीलिंगम हो गया, पवित्रा, स्त्रीलिंगम वर्ड के लिए विशेषण भी स्त्रीलिंगम रहता है, अगर पुल्लिंग वर्ड है तो पवित्र हो, स्त्रीलिंग है तो पवित्रा, नपुंसकलिंग वर्ड है तो पवित्रम, ऐसे नदी इज अ स्त्रीलिंगम वर्ड, सो पवित्रा नदी। गंगा इज द हॉली रिवर ऑफ इंडिया, ओके हमारे भारत की वो पवित्र नदी है। गंगायाः जलम पवित्रम भवति, गंगा का जल वो भी कैसा है, हॉली है, वाटर ऑफ द गंगा इज हॉली। गंगायाः, गंगा का, ऑफ गंगा षष्ठी विभक्ति, ओके गंगा वर्ड स्त्रीलिंगम, सो षष्ठी एकवचनम इज गंगायाः, गंगा स्त्रीलिंगम है तो वो कैसे चलेगा, लता की तरह चलेगा, लता का षष्ठी एकवचनम लतायाहा, तो गंगा वर्ड का षष्ठी एकवचनम क्या हुआ, गंगायाहा, गंगा का पानी कैसा है, हॉली है, ओके। गंगायाहा तटे अनेकानि नगराणि सन्ति, तटे ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा देर आर मेनी सिटीज ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है, अनेकानि नगराणि मेनी सिटीज, तटे, तटे इज सप्तमी विभक्ति ऑफ तटम, तटे ऑन द बैंक किसके तट पे, गंगायाः, गंगा के तट पर बहुत सारे सिटीज है, तो गंगा के, दिस इज अवर षष्ठी गंगायाः। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3, ओके। भारतस्य प्रमुखः पर्वतः हिमालयः अस्ति, देखो हिमालय पर्वत दिखाया है, भारत का प्रमुख मतलब मेन पर्वत कौन सा है, हिमालय है भारत का, षष्ठी विभक्ति में कौन सा वर्ड आया, भारतस्य, ओके भारतस्य प्रमुख पर्वतः हिमालयः अस्ति, हिमालय इज द मेन माउंटेन ऑफ द ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया इज सो भारतस्य, हिमालयः पर्वतानां राजा अस्ति, पर्वतानां पर्वत वर्ड का षष्ठी बहुवचनम पर्वतानां, दिस इज पुल्लिंग वर्ड पर्वतम, पर्वतः तो पर्वतानाम, जैसे रामाणाम वैसे पर्वतानाम षष्ठी बहुवचनम, पर्वतों का राजा क्या है, हिमालय इज द किंग ऑफ द माउंटन्स, ऑफ द माउंटन्स के लिए कौन सा वर्ड है, पर्वतानाम षष्ठी, पर्वतों का काकी के, पर्वतों का राजा हिमालय है। हिमालयस्य शिखराणि उन्नतानि सन्ति, शिखराणि मतलब पीक्स, वो कैसे उन्नतानि ऊंचे है, शिखर हिमालय के शिखर बहुत ही ऊंचे है, उन्नतानि शिखराणि हाई पीक्स, ओके हिमालय के जो शिखर है पीक से वो कैसे है, एकदम हाई ऊंचे ऊंचे है, तो हिमालय के उसके लिए कौन सा वर्ड आया है, हिमालयस्य, इट इज अवर संबंध कारकम। हिमालय भारतस्य रक्षक अस्ति, कस्य रक्षक,
भारतस्य, और देखो क्वेश्चन पूछने हैं तो भी वो पुल षष्ठी विभक्ति में आएगी। कस्य शिखराणि उन्नतानि सन्ति? हिमालयस्य। हिमालयः केषां राजा अस्ति? पर्वतानां। कस्य प्रमुखः पर्वतः हिमालयः अस्ति? भारतस्य। हिमालयः कस्य रक्षकः अस्ति? किसका रक्षक है? भारतस्य, भारत का। हिमालय इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया। हिमालयस्य गुहासु मुनयः तपः कुर्वन्ति। देखो गुहा, गुहा मतलब क्या? केव्स, केव रहती है उसको गुहा नाम बोलते हैं। ओके, गुहा को मतलब गुफा हिंदी में। गुहासु इज अ सप्तमी बहुवचनम। गुहासु, गुहा इज स्त्रीलिंगम वर्ड। तो लतासु जैसे सप्तमी बहुवचन है वैसे गुहासु मतलब इन द केव्स। किसकी केव्स में? ऑफ हिमालया, इन द केव्स ऑफ हिमालया। ऑफ हिमालया के वर्ड, उसके लिए कौन सा वर्ड है? हिमालयस्य। इन द केव्स ऑफ हिमालया मुनयः तपः कुर्वन्ति। तपः पिनाइंस, तप करते हैं कौन? मुनयः, सेजेस। ओके, सेजेस है वो क्या करते हैं? हिमालय की गुफाओं में तप करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। गीता, यहाँ पे गीता बताई है हमारी, भगवद गीता। ओके, गीता मतलब भगवद गीता, वो हमारी होली बुक है हिंदू लोगों की। अहम प्रतिदिनम गीतायाः पाठम करोमि। अहम मैं प्रतिदिनम मतलब एवरीडे गीतायाः पाठम करोमि, मैं रोज गीता का पाठ करती हूँ या करता हूँ। ओके, गीता का, उसके लिए कौन सा वर्ड है? गीतायाः। गीता स्त्रीलिंगम वर्ड है तो गीतायाः इज इस षष्ठी एकवचनम। ओके, गीतायाः पठनेन ज्ञानम भवति। गीता के पठन करने से हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। गीता के पठन करने से, गीता के, उसके लिए वापस कौन सा वर्ड आया? गीतायाः। गीतायाः रचयिता महर्षि, महर्षि वेदव्यासः अस्ति। महर्षि मतलब महाऋषि, वेदव्यासः जो बहुत बड़े सेज है, वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास, वह गीता के रचयिता है, पोएट। उन्होंने खुद ने वो लिखी है गीता। किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास, उन्होंने लिखी है। रचयिता मतलब उसको बनाने वाले, पोएट कौन? वेदव्यास है। गीतायाः, गीता के रचयिता महर्षि वेदव्यास है, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ। भगवान श्री कृष्ण गीतायाः उपदेशक मतलब क्या? जो उपदेश देते हैं, जो सिखाते हैं। ओके, प्रीच करते हैं उसे बोलते हैं उपदेशक, उपदेशक। भगवान श्री कृष्ण गीता के प्रीचर, उपदेशक है। गीता के, उसके लिए कौन सा वर्ड है? गीतायाः, क्योंकि ये गीता है। वो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने ही अर्जुन को बोली थी। कब बोली थी? महाभारत के युद्ध के वक्त। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेशक हुए, प्रीचर। ओके, वो हमें वो सिखाते हैं, मेंटर, उपदेशक। श्री कृष्ण धर्मस्य रक्षक अस्ति। धर्म, धर्म मतलब अच्छा काम, रिलीजियस वर्क, उसे बोलते हैं धर्म। कुछ भी अच्छा काम करो तो धर्म का काम किया, ऐसा बोला जाता है। श्री कृष्ण धर्मस्य रक्षक अस्ति। श्री कृष्णा इज द प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा, वो धर्म के रक्षक है, ऑफ धर्मा, उसके लिए कौन सा वर्ड है? धर्मस्य। धर्मस्य सदा जयः भवति। सदा मतलब अलवेज, जयः विक्ट्री, अलवेज किसका जय होता है? धर्म का। ओके, देर इज अलवेज विक्ट्री ऑफ द धर्मा। धर्मा मतलब अधर्म मतलब बुरा काम, उसका कभी जय नहीं होगा, उसका अलवेज पराजय होता है, याद रखो। अच्छे काम, अच्छा धर्म के काम, उसका ही अलवेज जय होता है। धर्मस्य सदा जयः भवति, धर्मस्य, धर्म का। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर लेसन। भारतस्य सैनिकाः वीराः सन्ति। वीराः ब्रेव, भारतस्य, भारत के सैनिक, सैनिक मतलब सोल्जर्स, वो कैसे हैं? ब्रेव है। सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेव। देशस्य सैनिकाः सर्वदा देशं रक्षन्ति। देश के, देशस्य मतलब देश के, भारतस्य, भारत के। देखो षष्ठी में वर्ड्स है सब,
भारत के सैनिक क्या करते हैं? सर्वदा अलवेज देशम रक्षन्ति, प्रोटेक्ट द कंट्री. सोल्जर्स ऑफ द कंट्री अलवेज प्रोटेक्ट द कंट्री. वृक्षस्य अधः मयूराः नृत्यन्ति. अधः मतलब नीचे, बिलो. ओके, वृक्ष के नीचे क्या है? मयूराः नृत्यन्ति, पीकॉक्स आर डांसिंग अंडर द ट्री. अधः अंडर, ओके, अंडर बिलो ऐसे मीनिंग. ऊपरी का अपोजिट वर्ड है अधः, ऊपरी अबाउ, अधः बिलो, अंडर. ओके, छात्राः गुरोः आज्ञां पालयन्ति. छात्राः स्टूडेंट्स आज्ञा, आज्ञा आज्ञा मतलब टीचर कोई ऑर्डर करते हैं वो, पालयंती ओबे. गुरु हो गुरु की, गुरु मतलब टीचर शिक्षक. छात्रा स्टूडेंट्स क्या करते हैं? गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं. गुरु की, उसके लिए कौन सा वर्ड है? गुरु हो. गुरु इज उकारांत वर्ड. वो आपका नहीं, वो आपका राम लता फल उतने ही हुए. तो आपके एग्जाम में आपको उकारांत वर्ड वगैरह इकारांत वर्ड नहीं पूछे जाएंगे. काकस्य वर्णः कृष्णः भवति. वर्णः मतलब क्या? कलर. कृष्णः ब्लैक, काकस्य मतलब कौवे का, ऑफ द क्रो. क्रो का कलर कैसा है? ब्लैक रहता है. ओके, काकस्य ऑफ क्रो. षष्ठी, और गुरो हो इज ऑल्सो षष्ठी एक वचन हम, बट इज इज उकारांत वर्ड. ओके, अस्माकं विद्यालयः विशालं विशालः अस्ति. देखो यहाँ पे अस्माकं वर्ड है, वो भी षष्ठी एक वचनम है, बट वो अस्मत् प्रोनाउन जो आपको अभी नहीं हुआ है. अस्मत् प्रोनाउन की षष्ठी क्या है? मम आवयोः अस्माकं, बहुवचनम है ये. मम मतलब मेरा, आवयोः हम दोनों का, और अस्माकं हमारा. हमारा विद्यालय कैसा है? विशालः बड़ा है. विशालः मतलब बिग, बड़ा है. ओके, देखो इसलिए षष्ठी संबंध कारकम में उसका जो चिन्ह है काकी के, रारी रे. रा क्यों बोला जाता है? मेरा, रारी रे हमारा, हमारी, इसलिए और रारी रे, काकी के रारी रे. ओके, अस्माकं विद्यालयः विशालः अस्ति. अवर स्कूल इज बिग, अवर हमारा. ओके, उसके लिए अस्माकं वर्ड भी क्या हुआ? षष्ठी बहुवचन है. सो नाउ दीज आर योर वर्ड्स जो आपके लेसन में दिए, वो भी आपने करने हैं, और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी मैंने बनाए हुए हैं थोड़े. वाटिका गार्डन, पुरतः इन फ्रंट ऑफ, रक्तानी कमलानी रेड लोटस, गुंजनम भंवरों की आवाज़ साउंड ऑफ द बीज. ओके, पवित्रा नदी हॉली रिवर, तटे ऑन द बैंक ऑफ. आपने इंग्लिश, संस्कृत और इंग्लिश उतना ही लिखना है, आपने हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है. पर्वतः माउंटन, शिखराणी पीक्स, उन्नतानी हाई, गुहासु इन द केव्स, प्रतिदिनम डेली एवरीडे, ज्ञानम नॉलेज, रचयिता रचना करने वाले कौन? पोएट. रक्षकः प्रोटेक्टर, सैनिकाः सोल्जर्स, यहाँ पे सोल्जर्स आना चाहिए, बहुवचन है वो. सर्वदा अलवेज आज्ञाम ऑर्डर, पालयंती ओबे. वर्णः, वर्णः मतलब कलर. कृष्णः ब्लैक, अस्माकम् अव. थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड्स बनाए हुए आपके लिए. समीपे नियर, सरोवरः लेक, ऊपरी अबाउ, भ्रमरः बम्बल बी और लार्ज ब्लैक बी. प्रमुखः मेन, मुनयः सेजेस, उपदेशकः प्रीचर, तपः पिनांस, सदा अलवेज, जयः विक्ट्री, वीराः ब्रेव, अधः बिलो अंडर. ओके, गुरोः षष्ठी ऑफ टीचर एंड विशालः बिग. ये वर्ड्स भी आपने उसके साथ कॉपी करने हैं. इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज का पार्ट है, हम वो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इस षष्ठी विभक्ति, संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति. वो हमें रिलेशन दिखाता है, पजेशन दिखाता है. ये मेरा घर है, ये हमारा. अस्माकं विद्यालय हो तो हमारा विद्यालय, वो पजेशन किसका हुआ? हमारा, ऐसे. ओके, वो हमें रिलेशन और पजेशन दिखाता है. रिलेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल, रामस्य पत्नी सीता, तो राम की पत्नी सीता, काकी के, तो राम वर्ड की षष्ठी क्या हुई? रामस्य. ओके, मतलब षष्ठी संबंध कारकम वाले जो भी वर्ड्स है वो षष्ठी विभक्ति में ही रहते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस लेसन, संबंध कारकम षष्ठी विभक्ति प्रॉपरली. नेक्स्ट पीरियड वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज. थैंक यू.